बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम लबे शीरी बना रहे हैं और मोहम्मद अली आप खुश हो जाएं, बहुत अरसे के बाद आपकी फरमाइश पूरी की जा रही है, जिसकी वजह से एक चीज़ की कमी थी वो मैं आपको वीडियो के दरमियान में बता दूँगी कि किस चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से मैं रुकी हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको जेली बनाना बता दूँ कि जेली हमें चाहिए, हमें पूरा एक पैकेट नहीं चाहिए, हमें हाफ़ पैकेट चाहिए और इस पैकेट में 80 ग्राम्स है। तो हमें 40 ग्राम जो है ना हर पैकेट में से निकाल कर इसको तैयार कर लेना है जेली को। अच्छा ठीक है, गिलिए प्लेट। हाँ गिलिए शायद कैंची, मैं उबाल रही कैंची और छिलवा लिया। अच्छा जेली आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, मैंने तीन जो है ना फ्लेवर लिए, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड बनाना। थोड़ा मन ज़्यादा हो जाए काफ़ी और ज़्यादा खुल जाए ना मेरा, वो ये देखिए 40 ग्राम हम कर लेते इसको। हाँ जी ठीक है, हमने हाफ बनानी, अगर आपने पूरी बनानी है तो आप पूरी भी बना सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरी प्लेटों में भी आपको बता के बताती हूँ। बिस्मिल्लाह, एक एक कप हमने गर्म पानी इसमें शामिल करना है। बिस्मिल्लाह, और ये जो आपने मेजरिंग कप लेते हैं ये उसी कप से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी मेरा वही हिसाब है, मैंने इसको नाप लिया था उससे ना। इसको अच्छी तरह हिलाते हैं और दूसरा भी उसी में शामिल कर लेते हैं। इसी तरह हम तमाम जेली को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, मिक्स करके अच्छी तरह इसको फ्रिज में रख दें, अभी तो नहीं रखना, एकदम से गर्म है, 5-6 मिनट बाद इसको फ्रिज में रख दें, फिर मैं बाद में आपको सारी चीज़ें बताती हूँ डिटेल से। हम सेवइयाँ बॉयल करेंगे, उसके लिए हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया और 100 ग्राम मैंने ना सेवइयाँ लिए। अच्छा ये वाली आपने सेवइयाँ ले ली है, ना तो रंगीन सेवइयाँ होंगी और ना तो रंगीन सेवइयाँ होंगी और ना भुनी हुई होंगी। ठीक है, ये वाली होती है येलो येलो टाइप की होती है, तो ये वाली हमें चाहिए लबे शीरे के लिए। तो अब हम सेवइयाँ बॉयल कर लेते हैं, इसको 5 से 10 मिनट इसको हम बॉयल करेंगे। बिस्मिल्लाह, प्लेट दूजी लें दी हाँ वो किला करिए ना बाहर करेंगे। ठीक है, अब हमने इसको बॉयल करके तो छलनी में डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेवइयाँ बॉयल हो गई, अब हम इनको स्ट्रेनर में छान लेते हैं। और 2.5 लीटर मैंने दूध लिया है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, और अब हम इसका चूल्हा सिलो कर आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बता देते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स अब हम बता देते हैं आपको। सेवइयाँ मैंने बॉईल कर ली है, जेली मैंने बना के फ्रिज में रख दी है, दूध मैंने आपको बता दिया है कि 2.5 लीटर लिया है, और अब हम मैं बताती हूँ आपको 1 पैकेट जो है वो क्रीम का जाएगा, 200 ml है, और 1 टीन जो है ना ये पूरा पाइनएप्पल का जाएगा, ये भी स्लाइसिस में है लेकिन हम इसको और छोटे टुकड़े करेंगे बिल्कुल बारीक इस तरह करके, वो मैं करके आपको कंप्लीट बताऊँगी। और 1/2 टीन जो है ना हमारा ये जो है ना फ्रूट कॉकटेल का जाएगा, और बाकी हम 4 अदद केले ले लेंगे और 1 सेब ले लेंगे, और 1/2 किलो चीनी या 2.5 कप चीनी, और अंगूर हमने लेना है। इसकी वजह से मैं रुकी हुई थी क्योंकि अंगूर जो है वो रमज़ान के महीने में भी मैंने देखा था, पूछा था, तो वो इस तरह का अंगूर नहीं था, जो सुंदरखानी अंगूर है इसी का एक खूबसूरती आती है, इसी से जो है वो लबे शीरी कंप्लीट बनता है, तो मैं इसकी वजह से रुकी हुई थी। तो भाई आप परेशान ना हो और अब आप खुश हो जाएँ कि सीज़न आ गया इसका। और फिर हम इसमें 5 से 6 टेबल स्पून जो है ना ये कस्टर्ड पाउडर के शामिल करेंगे। कस्टर्ड पाउडर मैं आपको बता दूँ, या तो आपने वनीला कस्टर्ड लेना है तो, या फिर आप जो है ना कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कलर वाला कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मेरे पास वनीला कस्टर्ड नहीं था, मेरे पास मैंगो है, तो कोशिश करेंगे कि मैंगो से भी कोई मसला नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये है कि ना तो आपने बनाना कस्टर्ड यूज़ करना है, ना स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड यूज़ करना है, कलर वाला कस्टर्ड यूज़ नहीं होगा।
तो हम यूज़ करें बनाना है ये जो है क्या कहते हैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर, इसको हम 5 से 6 टेबल स्पून, और हम पतला सा इसको बनाकर फिर बताते हैं आपको कंप्लीट। जो कस्टर्ड पाउडर हम शामिल कर रहे हैं इसमें, और ज़्यादा जो है ना ठीक नहीं बनेगा ये, थिन बनेगा, मतलब पतला बनेगा ये कस्टर्ड। इसको हम घोल लेते हैं, और जो दूध बॉयल हुआ है उसमें चीनी शामिल करके, वो मैं साफ़ कर लूँगी, चीनी शामिल करके तो फिर ये इस्तेमाल करते हैं। इसको चीनी शामिल करें, चीनी वो गीला गीली प्लेट थी ना, तो चीनी स्पेशल हाथ में निकाल लेंगे। हो गया, अब चीनी हमने इसको मिक्स करके, साथ ही इसी चम्मच चलाते चलाते में हमने कस्टर्ड शामिल कर देना है थोड़ा थोड़ा करके। इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं करिएगा कि इसको आपने गाढ़ा कस्टर्ड नहीं बनाइएगा, अभी और थोड़ी ज़रूरत है। जैसे हमें लगे कि हमें कितना थिक चाहिए हम उसमें ही हाथ रोक लेंगे, ठीक है, हो सकता है पूरे शामिल हो जाए, अभी भी पतला है। इतना ठीक है मेरे ख्याल में, देखिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया वरना ये और थिक हो जाएगा, और हमें थिक नहीं चाहिए क्योंकि इसमें सेवियाँ भी शामिल होंगी, फ्रूट भी शामिल होगा, तो ज़्यादा थिक जो है ना हमें नहीं चाहिए, इतना ही पतला चाहिए। तो इसका हम क्या करते हैं, अब चूल्हा बंद कर देते हैं। आपको बोला था कि चूल्हा बंद कर देते हैं, लेकिन मैंने चूल्हा को जलते रहने दिया क्योंकि सेवियाँ शामिल कर देते हैं, वरना सेवियाँ जो है ना ज़्यादा देर पड़ी रहेंगी तो ये जो है ना वो जुड़ जाएंगी। कितने इसको शामिल करके, सारी बाहर आ रही है, सवैया शामिल करके ना अब चूल्हा जो है ना इसका बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे काम हमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने पड़ते हैं, वरना ये सवैया फ़ौरन बॉइल करके, देखो मेरे सारा ही अटक रहा है, सवैया फ़ौरन बॉइल करके फ़ौरन शामिल करनी थी ना, तो मैंने उस वक्त बॉइल करनी थी। अब ये फूल जाएंगे अंदर ये कस्टर्ड में जाके ना, तमाम सवैयाँ इसमें मिक्स कर दी। अब क्या करते हैं, अब जो है ना इसको 1 मिनट चम्मच चलाते हैं और चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए बारीक बारीक मैंने पाइनएप्पल के टुकड़े कर लिए हैं, अंगूर को मैंने जो है ना इसकी डंडियाँ उतार ली है, क्रीम जो है मैंने इसको बर्तन में शामिल कर लिया क्योंकि सेब जो है हमारा जो है वो काला हो जाएगा, केले जो है वो काले हो जाएंगे, इसलिए इसको बारीक बारीक करके डायरेक्ट ही इसको क्रीम में शामिल करना है। ये मैं आपके सामने कर लेती हूँ, और जो है ना टिन जो है ये दूसरा भी मैंने रखा हुआ है, और कस्टर्ड हमारा तकरीबन ठंडा हो गया है। इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ें आपके सामने करेंगे। ये देखिए इस तरह आपने सेब को कभी भी काट के फौरन नहीं रखना, ये देखिए इस तरह करके छोटा छोटा काट के आपने डायरेक्ट ही क्रीम में शामिल करना है, छिलका उतार कर, छिलका उतार के हाँ, और बारीक काटना है आपने, तो निकल बस, ठीक है। जैसे मैंने पाइनएप्पल के बारीक टुकड़े किए इसी तरह बारीक बारीक इसके भी, और केला भी हम इसी तरह काट लेंगे, आपको मैं बता देती हूँ। अभी तो आधा सेब काटा ना, वो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो सेब का और केले का भी बता देती हूँ आपको। इसमें बिल्कुल ये भी बारीक बारीक, चाहे तो इसके 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। इसी तरह करके सेब और केले जो है 4 हमने जो लिए हैं वो शामिल करके, और तमाम चीज़ें शामिल करके मैं आपको बताती हूँ। तमाम क्रीम में जो है ना सामान शामिल कर दिया, और वो कस्टर्ड हमारा जो है ना वो ठंडा हो गया। जैरी अभी मैं लेकर आ गई फ्रिज में से, ये देखो
तमाम जाली को लेकर आ गई फ्रिज में से। अभी हम इसको मिक्स करके तैयार करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फ्रूट्स को इसमें शामिल कर दे कस्टर्ड में, और जो सवैया मैंने शामिल की थी वो भी इसी में शामिल है पहले से ही ना कस्टर्ड में। की लग गया था अंगूर की टंडी है। अंगूर की टंडी है। अच्छा, क्या करना है इसको अब हमने मिक्स करना है। चालू उत्तर अच्छी तरह इसको तमाम को कस्टर्ड में मिक्स करके फिर हम आपको बॉल में बता के शामिल करके बताते हैं। ये जेलियों को मैंने ना छुरी से कट करके इसको कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे इसको किसी बर्तन में शामिल करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ये भी शामिल करें और फिर उसमें और ये मैं आपको बता दूं लबे शीरी बिल्कुल गाढ़ा थिक नहीं होता, इतना ही पतला होता है क्योंकि इसमें फ्रूट्स वगैरह जब शामिल होते हैं ना तो वो फिर उसके हिसाब से हमने पतला रखना होता है। अब ये तमाम चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे, मतलब ये शामिल करने के बाद फिर मैं जेली शामिल करूँगी। ये देखिए जेली को भी शामिल करते हैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं तमाम करके आपको बताती हूँ, बाहर बहुत शोर हो रहा है इसकी वजह से मैं थोड़ा अब मैं आपको तकरीबन तमाम चीज़ें करके बताती हूँ। बाद में देखो लबे शीरी तैयार हो गया। तो मोहम्मद अली आप खुश हो जाएं, मैं सिर्फ सुंदरखानी अंगूर की वजह से रुकी हुई थी, वरना अंगूर तो छोटे छोटे आ रहे थे उसमें रमज़ान के महीने में से ही आ रहे थे, पर मुझे ये वाला अंगूर चाहिए था। तो आपने ज़रूर भी बना के मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा मज़ा आया। तो हूँ मैं पंजाबी दास हाँ। अच्छा, मैं जो भी कोई रेसिपी पा रही है ना इलेक्शन तो बाद, तो मैंने सारे कह रहे हैं कि शायद मैं हूँ पाई है, बुध वाले दिन पाई जो इलेक्शन है, मैं अज इतवार का दिन है तो देखो निशान नीचे पर उतरना, तो मैंने कोई टिप दो हाँ जरा निशान उतर, मेरे को उतर ही नहीं रहा, मैं इन्ने काम कर चुके हैं लेकिन कुछ उतर दे नहीं, उन्हें कैसे दो ढाई घंटे उतर जाएगा उतर ही नहीं रहा। तो मैंने फिर कमेंट कर दो कि तुम अजे हूँ ही वोट पा के आए, तो अच्छ इतवार का दिन जे कोई ऐसी गल नहीं है, बड़े पुराना मेरा निशान नहीं पा जाता। अच्छा बहरहाल पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते ही सोचने भाई, असं भी सारे पाकिस्तानी अच्छा सोच रहे हैं, असं भी अच्छा सोचने। हूँ मैं पंजाबी दसदा कि ना मैं 2.5 लीटर जो मैं दुध लिया से उदो चीनी तो कस्टर्ड पा के मतलब पका लिया, तो सेवैया जो तरसा होंगे अलग उबालिया सन, तो उस तो बाद मैं सारा फ्रूट कट्टिया जो मैं तुम्हें फ्रूट लिखवाया वो सारा फ्रूट कट के तो क्रीम च मिक्स कर लिया। मिक्स करने पता कि कालापन वह खत्म हो जाता जो सेब का केले का, तो जैलियाँ थोड़े सामने पहले मैं बना लिया सन सारे स्टैप बाय स्टैप, मशाला समझाया बड़ा जबरदस्त तरीके का समझाया, तो मशाला को कि बड़ा मशाला बन गया, जबरदस्त किस्म की मिठी चीज़ बनी है लबे शीरी, खाओगे तो वाकई लब थोड़े शीरी शीरी हो जाएंगे। तो मैंने जरूर दुआ याद रखना कि अल्लाह हाफिज।